नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। जब अपने जीवन में काम नहीं होता है और जेब में पैसा नहीं होता है, यानी जब हम बेरोजगारी के दौर में होते हैं, तो जिंदगी का हर क्षण दुख, दर्द, तकलीफ, यातना में गुजरता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल वर्किंग एज पॉपुलेशन 90 करोड़ है और उसमें से तकरीबन 54 करोड़ लोग रोजगार क्षेत्र से बाहर हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती। तो सर, आपसे पहला सवाल यही है कि इन आंकड़ों को थोड़ा तोड़ करके हमारे दर्शकों को सरल अंदाज में बता दीजिए और थोड़ा रोजगार क्षेत्र की प्रकृति क्या है और आमद के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा परिदृश्य कैसा बनता है, इस पर भी बता दीजिए। देखिए अजय, किसी भी देश में जैसे आबादी बढ़ती है उसी रेट से वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बढ़ता है ना। क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन हम किसको लेते हैं, जो भी 15 साल से ऊपर हो। और आज के जैसे हमारा देश है जहाँ पे लोग 65-70 से ज्यादा बचते, उनकी आयु नहीं होती है ज्यादातर, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन टिल डेथ माना जाता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो हमारे देश में लगभग 12 करोड़ ऐड हुए हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में, मतलब 15 साल से ज्यादा, 2016-17 से लेकर 2021-22 में, मतलब 6 साल में 12 करोड़ के आसपास। लेकिन 2 करोड़ इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो लोग काम ढूंढ रहे उससे निकल गए। मैं इसका मतलब समझाता हूँ दर्शकों को। हम क्या कहते हैं कि एक है वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेकिन उसमें से सब लोग काम नहीं ढूंढते। जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा हो वो काम नहीं करेगा, या किसी कोई बीमार हो वो काम नहीं ढूंढता है। बहुत जगह पे औरतें जो घर संभालती है उनके पास टाइम नहीं होता कि बाहर जाके वो काम करे, क्योंकि घर में वो उससे भी ज्यादा काम करती है। तो वर्क फोर्स और वर्किंग एज पॉपुलेशन अलग होता है। वर्क फोर्स एक चीज है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक चीज है, कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं या काम ढूंढ रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं या काम ढूंढ रहे हैं, इनकी तादाद लगभग 2 करोड़ कम हो गई है, जबकि 12 करोड़ हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन की तादाद बढ़ गई। तो आप देखिए कि इसमें क्या कहा जा सकता है। कहा जा सकता है हो सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे हो गए, आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी हो गई। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि देखिए पहले जो 15 से 19 साल के लोग थे, है ना, बच्चे ही मानते हैं हम इनको, यंग एडल्ट कहा जाता है इनको, ये लोग स्कूल नहीं जाते, हाई स्कूल ये सेकेंडरी पास करके निकल जाते। तो 15 में जो लोग 10वीं या 11वीं में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं अगले कुछ सालों तक, वो लोग कॉलेज भी नहीं जाते थे, हायर सेकेंडरी भी नहीं करते थे और सीधा काम पे लग जाते। अब पिछले 6 सालों में ऐसे लोग बहुत, इनकी तादाद बढ़ गई है जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़े भी, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो काम ढूंढना चाहते हैं, उनका नंबर कम हो जाएगा, उनकी तादाद कम हो जाएगी। एक और चीज कहा जाता है कि हमारे जैसे देश में जहां पे आप कह सकते हैं कि कस्टम हमारा ऐसा है कि औरतों को काम पे, औरतें बाहर काम करने जाती तभी है जब मजबूर हो, ये माना जाता है बहुत जगह पे। गरीबों में ऐसा नहीं है, लेकिन अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में ये माना जाता है। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे लोगों की एफ्लुएंस या जिस तरीके से उनके हाथ में पैसा आ रहा है, तो अब 2 लोगों को बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए औरतें अब काम करने नहीं आ रही। और अगर आप आंकड़े देखें अजय, तो ये सही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने ला रहा हूं और वो ये है कि अगर हम देखें कि जो 15 से 19 साल के जो लोग हैं, वो पहले उनमें से 24%, 2016-17 में उनमें से 24% काम ढूंढते थे। ये याद रखिए, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये वो लोग हैं जो काम ढूंढ रहे या काम करना चाहते, जिनको काम की जरूरत है, 1/4 ढूंढते थे। अब वो 21-22 पे सिर्फ 8% उतर आया, मतलब 100 में से सिर्फ 8 ऐसे हैं जो 15 से 19 के हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं औरतों में देखूं तो आप देखिए कि औरतों में भी एक टाइम पे अगर 2016-17 का देखा जाए, औरतों में मुझे लगता है लगभग 19% काम ढूंढ रहे थे और अब वो गिरकर सिर्फ 11% पे आ गया, ठीक है। और एक और चीज है,
अगर हम इसी को सिर्फ शहरों में देखें तो औरतों में ये सिचुएशन और भी खराब है। पहले 18.5% के आसपास 6 साल पहले काम ढूंढ रहे थे, काम करना चाहते थे, अब वो उतर कर हमारे में आ गया है 9%, मतलब 10% से भी कम। 100 में से सिर्फ 9 औरतें काम ढूंढती हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन सवाल हमारा ये होगा अजय कि अगर कमी है ना, ठीक है, 15 से 19 साल वालों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन 20 से 24 साल के पूछ लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम उनको 20 साल के बाद करना पड़ता है, कॉलेज खत्म होने के बाद तो करते हैं। कितने हमारे देश में ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएशन में, या ग्रेजुएशन में हो भी तो भी वो काम ढूंढते हैं, ग्रेजुएशन में एनरोल कर लेते हैं कॉलेज में, लेकिन काम फिर भी ढूंढते हैं। ऐसे लोगों में क्या हुआ, अब देखिए कि ऐसे जो लोग हैं इनमें भी जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनकी तादाद बहुत तेजी से गिरी है। तो अगर हम देखें कि 2016-17 में जो लोग 20 से 24 साल की उम्र में थे उनमें से लगभग आधे लोग काम ढूंढ रहे, ठीक है, अब वो 38% के उतर आया। क्या ये लोग, हम कहेंगे कि ज्यादा लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्यादा लोग अब हायर एजुकेशन में हैं, इसीलिए इतने लोग निकल गए? वो अगर होता तो आप देखिए कि अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो, कोई दुकान खोलना, आप जाके तो कोई मेरे जैसे 50 साल के आदमी को हायर नहीं करेंगे, है ना, आप करेंगे यंग लोगों को, आप वही 20-22 के किसी को हायर करेंगे। क्यों? इनमें उत्सुकता ज्यादा होती है, इनमें हंगर ज्यादा होता है करियर बढ़ाने का, और इनमें एक और चीज क्या होता है कि आप इनको कम पैसे पे भी रख सकते हैं, सीधी बात है। शादी नहीं हुई है, जिसकी ज्यादा हो जाती है उम्र तब वो बोलते हैं कि इतने कम में मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका मतलब, अगर 20 से 24 साल के जो लोग हैं उनमें अगर आप सिर्फ 38% काम करना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे देश में यंग युवा लोगों की तादाद कम है जो काम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप युवा लोगों में हायर करना चाहते हैं आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और युवा लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको हम कहते हैं, मतलब काम ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिले, उसका रेट काफी तेजी से गिरना चाहिए, आप मानते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि उनके अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन वही मैं देखता हूं कि हुआ क्या है, असल में इनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। एक टाइम पे इनकी 2016-17 में अगर जो हम कह रहे थे कि 32% जो काम करना चाहते थे उनके पास काम नहीं था, 32% अनएम्प्लॉयमेंट, जो काम करना चाहते थे 32%, मतलब एक तिहाई के पास काम नहीं था। लेकिन इस वक्त वो लगभग आधे पे आ गया, मतलब 50% के पास काम नहीं था। तो आप सोचिए कि अवेलेबल कम है लेबर फोर्स में यंग लोग, फिर भी इनके पास काम अब कम है। इसका मतलब साफ है कि ये पढ़ने नहीं गए, ये कोई उस पे नहीं गए। इसी तरीके से हम औरतों में भी देखेंगे कि मर्दों के तुलना में इनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मर्दों का अगर अनएम्प्लॉयमेंट 8-10% है तो औरतों का 27-32% है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे देख रहे हैं। इसका मतलब औरतों को भी काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है इसलिए लोग और काम नहीं ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत ही एक डरावनी बात है, क्योंकि अगर किसी देश में लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 41% है तो वो बहुत ही खराब है, क्योंकि दुनिया का एवरेज 54% है, और दुनिया का एवरेज भारत ने कम किया है, बाकी जो गरीब देश हैं वहां पे 65-70% लोग काम ढूंढते हैं, चाहे मिले ना मिले काम ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये 41% बहुत ही डेंजरस है, 2016-17 में 51% भी बहुत डेंजरस था, अब ये भी डेंजरस है। लोग कहते हैं औरतों में कम हुआ है मर्दों में नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि पहले लगभग 75% मर्द काम ढूंढ रहे थे, अब वो 2/3 पे उतर आया, 67% के आसपास उतर आया। ये आपने बहुत ही भयावह तस्वीर बताई। तो अगर आप नरेंद्र मोदी के काल को देखें तो उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार है, तो उन नीतियों के लिहाज से देखें तो जो जो इस समय रोजगार की, बेरोजगारों की स्थिति है, तो क्या उन नीतियों से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में या तात्कालिक समय में ये परेशानी खत्म हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जब 2014 में लोगों ने वोट दिया था तब बहुत लोग अच्छे दिन के स्लोगन से उन्होंने वोट दिया था कि नौकरी मिलेगी, लोगों की आय बढ़ेगी,
है ना, क्योंकि यूपीए का भी नौकरी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। पहले टोटल 10 साल में 1% के रेट से भी नौकरी नहीं बढ़ी यूपी का, जबकि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन उससे ज्यादा रेट पे बढ़ी है यूपीए के रेट में, और जो भी बढ़ा वो आखिरी साल में जब उनको लगा कि हम हारने वाले, वही 13-14 में जो बढ़ा है, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, 0.6% के रेट से। और ये आरबीआई का डेटा है, ये बाकी डेटा तो मैं सीएमआई का प्राइवेट डेटा आपको बता रहा हूँ, ये आरबीआई का डेटा है, उस वक्त का डेटा है। और उसके बाद और भी खराब हुआ है, मोदी काल में नौकरियां गिरी हैं, कम हो गई है, बढ़ी नहीं है। खैर, एक चीज जो मोदी काल में हुआ है वो ये है कि हम देखिए, सबसे जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक आप कह सकते हैं कुछ भत्ता पहुंच रहा है, ठीक है। साथ में एक और चीज जो पहुंच रहा है कि सस्ते में जिसको हम अनाज कह सकते हैं, थोड़ा सा चीनी दाल वगैरह, ये भी गरीबों तक पहले की तुलना में ज्यादा पहुंच। इससे एक अजीब चीज हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे देश में, मैं आपको नाबार्ड जो है उसका 2 सर्वे हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक 2016-17 में, एक 2018-19 में। सेकंड में अगर हम देखें तो गांव में जो खेती करते हैं उनका पारिवारिक, उनकी पारिवारिक आय 30% उन लोगों की पारिवारिक आय 2500 रुपए से कम, पारिवारिक आय, ठीक है। अगर पारिवारिक आय ये है तो आप सोच लीजिए कि उनके हाथ में क्या आता होगा। इनको अगर आप पीएम किसान के अंतर्गत 6000 रुपए साल में दे दें तो 500 रुपए उनके हाथ में मुफ्त में आ रहा है। एक उनके पास वो होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर करते हैं, एक लैंड का पीस है, तो कभी कभी हो सकता है कि एक ही परिवार में 2 लोगों को मिलता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि औरतों को 500 रुपए दे दिया जाता है हर 7-8 महीने में जनधन अकाउंट में, बेटियों को पढ़ने के लिए थोड़ा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एक अभी नया यूपी इलेक्शन से पहले स्कीम निकला था कोई बेरोजगारों को कुछ पैसे देने का, सबके अकाउंट में पैसा आ गया है। अलग अलग जो राज्य हैं वो भी, राज्य सरकार है वो भी पैसे देते हैं। तो जिसके हाथ में इससे पहले सिर्फ 2500 रुपए आ रहा था, आप सोच लीजिए कि महीने में अगर 500, 700, 800 रुपए उनको एक्स्ट्रा मिल जाए काम और ना बढ़ा के, हाँ, तो उनको काम ढूंढने का और कोई कारण नहीं है। हमारे देश में लगभग 17% लोगों की आय साल में 1 लाख रुपए से कम, यानी ये पारिवारिक आय, ये किसी मतलब पूरे परिवार 2 लोग काम करके भी जो मिलेगा, ठीक है। गरीबों में ये मतलब 1 लाख से कम 17%, 100 में से 17 परिवार। 1 लाख से कम मतलब क्या हुआ अजय? अजय ये हुआ कि आपके महीने में औसतन 8300 रुपए। सबसे जो गरीब लोग हैं, आप एक चीज याद रखिए, उनमें परिवार का साइज भी ज्यादा होता है, 6 के आसपास होता है। जितना आप ऊपर जाएंगे वो 3, 3.5 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, एवरेज औसत। 3.5 लोग तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं औसत की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो 6 से ज्यादा, 6 लोग हाथ में 8000 रुपए महीने का, आप सोचिए उसके लिए कौन काम करेगा, है ना। तो इसलिए लोगों का भी एक बड़ा तबका, इसलिए सीएमआई का जो आंकड़ा है उसमें देखा जा रहा है जो सबसे गरीब है उनमें लेबर पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है, सबसे कम वो काम ढूंढने जाते। इस तरह से आपने बताया, उस तरह से देखा जाए तो पढ़ना लिखना, घर लेना, ढंग से खाना खाना, ये सब तो बहुत बड़ी आबादी के साथ, मतलब ये इंसाफ नहीं हो पाता होगा कि वो इन सारे चीज़ों को ले पाए। जब ऐसा होता है तब भी क्या वजह है कि बेरोजगारी को लेकर के एक तरह का गुस्सा लोगों के बीच नहीं उठता है? मतलब क्या ऐसा है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार नाम की चीज़ क्यों होती है? या आप भी ये मान के चलते हैं कि जो मेहनत करेगा उसे ही बस मिलता है, एक धारणा अभी प्रबल है, इस तरह की बातें हैं क्या? देखिए, पिछले 30-35 सालों में कहा गया है कि आप अपने दम से काम करिए और आप अपना टैलेंट दिखाइए तो आप अमीर हो जाए। कहा जाता है कि देखिए, धीरूभाई अंबानी तो एडन में पेट्रोल पंप में अटेंडेंट थे, कहां से कहां हो गए। आप भी आजकल एलन मस्क बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं आज भी आप भी बन सकते हैं, है ना। देखिए, आप अडानी जी 2014 में कुछ नहीं थे, आज वॉरेन बफेट से ज्यादा अमीर है, पूरे टैलेंट से हुए है ना ये।
तो अपने टैलेंट, अपना टैलेंट दिखा के आप भी अमीर हो सकते। 30 साल से लोगों को कहा जा रहा है ये, फिर भी जो CSDS का सर्वे है एक जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग, यंग लोग सरकारी नौकरी चाहते, क्योंकि वो स्टेबल है, उसके लिए मरना नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको दिन में 16-16 घंटे काम नहीं करने पड़ते, कभी बॉस गुस्सा हो गया तो बोला निकलो यहां से, ये नहीं होता है, कंपनी फेल नहीं हो जाती। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे ज्यादा यंग लोग इस वक्त, क्योंकि वही एक स्टेबल नौकरी है। लोगों को बताया गया कि आप अपना बिजनेस खोलिए या आप प्राइवेट सेक्टर में कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत, पिछले 2007 से लेकर 2016 के बीच दो जो सर्वे हैं CSDS के, यूथ एस्पिरेशन से, उससे साफ है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी जो 2007 में लोग चाहते थे उससे बहुत कम 2017 में चाहते हैं, और मुझे लगता है अब और भी कम होंगे। ज्यादा लोग नौकरी चाहते हैं, ज्यादा लोग, इसलिए जो रिजर्वेशन का लड़ाई इतना ज्यादा हो गया है अजय, इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि मेरा भी जो जाती है उसको घुसा दीजिए आप, क्योंकि मुझे भी एक नौकरी का रिजर्वेशन मिले। ये लड़ाई क्यों है, क्योंकि बहुत भयंकर भी है कि आप देखिए कि सरकारी नौकरी एकदम कम है, ऑडिशन के लिए मारा मारी है, मतलब दूसरे जगह पर रिजर्वेशन नहीं आता है, तो ये सारी भी विरोधाभासी चीजें हैं, सरकारी वैकेंसी नहीं फिल हो रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो है कि रिजर्वेशन की जो मारामारी है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में उनको कोई कोटा मिल जाए, है ना, और वो इसलिए तैयार है प्रूव करने के लिए भैया हमारी जाति तो पिछड़ी हुई है या हम बहुत गरीब है। नए जितने भी रोजगार बढ़े हैं उसका 50% सर्वे में देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहीं पे एकजुट नहीं हो पाते हैं, उनका कोई राइट्स नहीं होता है। दूसरी बात है जितना भी जिसको हम आइटिनरेंट या घूम घाम के काम इधर हुआ किसी दिन 30 दिन यहाँ पे काम करके फिर कहीं और चले गए, आज कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा चलो फरीदाबाद वहां पे काम है कल, या ऐसे में कोई एकजुट होकर मिलकर विरोध नहीं हो पाता, विरोध होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक बड़ा कारण, दो कारण, विरोध, एकजुट होना, और दूसरा क्या आप कैसे कहेंगे कि सरकार नौकरी दे, के जब आपने वोट ही दिया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए। शुक्रिया सर इस मुद्दे को इतना सरल तरीके से और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए, शुक्रिया। आप हमारे न्यूज़ को देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को लाइक कर सकते हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे Twitter को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।